reactions may be given, those reactions in which two or more substances एग्जाम्पल्स करने होंगे। एग्जाम्पल्स जितने आपको करवा रहा हूँ उतने कर लीजिए, सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा बोर्ड में आने की जरूरत नहीं है, अब ऑन करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको हर टाइप में 8 या 10 एग्जाम्पल्स कराऊंगा, सफिशिएंट है बस, ठीक है। उसमें आपको एनसीईआरटी, लखवीर सिंह, लास्ट ईयर सब कवर हो जाएगा। एक दो एक्सेप्शंस भी हैं पर वो अपने सिलेबस में नहीं है, अभी करने की जरूरत नहीं है। वो तो क्या होता है कि कैटायन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो पहले लिखा जाता है और जो एनायन होता है वो बाद में लिखा जाता है। तो जैसे एम जी की वैलेंसी 2+ है तो इसका 2 तो इसके साथ आ जाएगा, इसका 2 इसके साथ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा Mg2O2। मैं नीचे लिख रहा हूँ जैसे Mg2O2 से 2 कट गया, 2 बन जा 2, तो क्या बचा, केवल MgO। ये MgO बन गया, तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और इसमें अब हमको ये देखना होगा कि जैसे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया तो जितने भी रिएक्शंस आएंगे उनको कंप्लीट तभी माना जाएगा जब वो बैलेंस हो गए, ठीक है ना। रिएक्शंस का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप ये देखिएगा कि जब मैं मैग्नीशियम की बात कर रहा हूँ, मैग्नीशियम के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 है, इधर भी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैग्नीशियम बैलेंस है। ऑक्सीजन का 2 है, इधर ऑक्सीजन का 1 है, तो 2 लगाना पड़ेगा है। ऑक्सीजन का 1 = 2 ऑक्सीजन बैलेंस, मैग्नीशियम का 1 = 2 मैग्नीशियम बैलेंस नहीं है, तो इसके आगे 2 लगा दीजिए। समझ गए होंगे, बताओ भाई ऑनलाइन वाले, थर्ड नव्या क्लियर है? यस सर। ठीक है चलिए, तो फिर एग्जांपल का मैं खुद बैलेंस करना पड़ेगा या फिर इसमें एग्जांपल दिए जाएंगे तो मैं करूंगा? हां आपको ना ज्यादातर इस मतलब पेपर में क्वेश्चंस जो आते हैं वो ऐसे आते हैं कि 3 या 4 रिएक्शन दे दिए जाएंगे। अच्छा, उन 3 या 4 रिएक्शन में वो बोलेंगे कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको बताना होगा कि कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन है। एक तो ये, एक ही आएगा कि इधर लिख दिया Mg+O2, फिर कहेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आप ये देखोगे कि उसमें कॉम्बिनेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, वो किस टाइप की रिएक्शन है वो आइडेंटिफाई करके और आप उसको कंप्लीट कर दोगे।
तो एक रिएक्शन आएगा आपका कंप्लीट करने वाला, एक रिएक्शन आपका आ सकता है आइडेंटिफाई करने वाला, दोनों ही केसेस में बैलेंस जरूर करना है, ठीक है। और अभी जब हम एग्जांपल्स करेंगे ना, तो आपको देखते ही जब क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपका डिकम्पोजिशन का है, डिस्प्लेसमेंट का है, कॉम्बिनेशन का है, किसका है, आप समझ जाएंगे। चलिए ये एग्जाम्पल नंबर वन था, ऐसे ही एग्जाम्पल पर देखता हूँ। एग्जाम्पल टू है H2+O2, H2+O2। अब आप ये देखिएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, दोनों की ना वैलेंसी लिखनी है, ठीक। हाइड्रोजन की वैलेंसी वन होती है, प्लस भी होती है माइनस भी होती है, तो हमने सिर्फ वन लिखी है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2-। तो सीधी सी बात है, जो एनायन है वो वाला पोर्शन बाद में लिखा जाएगा, यानी कि 2- बाद में, तो इसका 2 इसके साथ आ जाएगा, इसका 1 इसके साथ आ जाएगा, H2O वाटर बन गया, ठीक है। तो दो सब्सटेंसेस जुड़े, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो सब्सटेंसेस जुड़े और मिल गया एक कंपाउंड H2O। अब इसको बैलेंस कैसे करना है, बैलेंसिंग देख लीजिए, हाइड्रोजन का 2 है, हाइड्रोजन का 2 है बैलेंस, ऑक्सीजन का 2 है लेकिन इधर ऑक्सीजन का 1 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे, 2 लगा दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का 2+4 हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 और लगा दिया। क्लियर है, समझ गया, ठीक है। यस सर। ओके, अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा जरा, एग्जांपल नंबर 3 में क्या है, एग्जांपल 3 में हमको दे रखा है कार्बन प्लस ऑक्सीजन C+O2। इसमें भी देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2-, एनायन बाद में लिखा जाता है, एनायन जब बाद में लिखा जाता है तो अब इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो इसका 2 इसके साथ आ जाएगा, इसका 4 इसके साथ, तो C2O4 ये हो जाएगा, CO2 लिख दूँ, ये बन गया C2O4, तो CO2 बन गया, ये CO2 और इसको आप बैलेंस करें ना, मेरे फर्स्ट नंबर का बैलेंस ही है, ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। अगला देखते हैं एग्जांपल, उसके बाद एग्जांपल नंबर 4 देख लीजिए। एग्जांपल नंबर 4 में है H2+Cl2, तो ये करेंगे तो ये HCl बनेगा, कैसे बनेगा, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1-, इसका 1 इसके साथ, इसका 1 इसके साथ, तो सीधा सीधा H1Cl पर ना लिख कर HCl, अब जब बैलेंस करेंगे तो 2 लगाते हैं बस, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगला एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल 5 में देखिएगा, इसमें है Na+Cl2, Na+Cl2 और सोडियम की वैलेंसी 1+, क्लोरीन की वैलेंसी 1-, इसका 1 इसके साथ, इसका 1 इसके साथ, तो NaCl ही बनेगा, NaCl। और अब आप ये देख लीजिए कि क्लोरीन का 2 है, इधर क्लोरीन का 1 है, उसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे, तो सोडियम का भी 2 बन गया, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, तो ये कुल मिलाकर पूरी इक्वेशन अब बैलेंस हो गई, ठीक है। चलिए जी, अगला देखते हैं एग्जांपल 5 के बाद एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में है Fe+S और मैं ही जानता हूँ कि सल्फर की वैलेंसी 2- और Fe की वैलेंसी 2+। एक्चुअली
एफ ई की वैलेंसी दो होती है, टू प्लस भी होती है और कहीं कहीं थ्री प्लस भी होते हैं। तो एफ ई की वैलेंसी थ्री प्लस कहाँ पर लेंगे, जहाँ पर हम फेरिक ऑक्साइड बनाएंगे वहाँ पर हम करेंगे एफ ई टू ओ थ्री, समझ गए। जब फेरिक ऑक्साइड, तो जब आयरन अपना ऑक्साइड बनाता है तो तब वो थ्री प्लस वैलेंसी शो करता है, उसके अलावा कहीं पर भी थ्री प्लस वैलेंसी शो नहीं करेगा। अपने सिलेबस में ऐसा नहीं है, डेप्थ लेवल तक आप ये देखिएगा सिर्फ वो ऑक्साइड क्या कर रहे हैं उसको चेंज। सब ठीक है, ग्रंथ तो सब ठीक है। अच्छा अच्छा, वो सिलेबस मिल गया था, सिलेबस मिल गया था, भेजा नहीं गया तुमने? अच्छा, ऑलरेडी बताया लाइफ प्रोसेस है इसके बाद मिल गया। अब देखिए एफ टू प्लस और एच टू माइनस ये है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका टू इसके साथ, इसका टू इसके साथ, तो एफ ई टू एस टू तो लिखने के लिए तो एफ ई एस हो गया। और तुम्हारी टीचर ने बताया, उसके टीचर ने कुछ बताया ही नहीं? हमारी टीचर हमसे थोड़ा समय से आगे चलते हैं आपके टीचर। हमारी टीचर अभी तो आधे सब्जेक्ट में सिलेबस शुरू भी नहीं हो। तो एवरी वेडनेसडे हां स्टार्टिंग फ्रॉम 21st 26th तो कुछ पढ़ाना चालू नहीं है। ये को शुरू नहीं हुई, अगर देखिएगा कि ये तो बैलेंस्ड है। अरे जब इनको एक स्पेशल पावर मिली हुई है स्कूल वालों को, जब कराते हैं तो एकदम बस करा ही देते हैं स्पीड के साथ, तो आप लोग तैयार रहना। कोई बात नहीं, आप लोग तैयार रहना, अगर उसके टीचर ने बताया तो तुम भी तैयार रहना, मतलब लाइटली मत लेना, वो तो एकदम से बता देंगे, कल बता देंगे। अच्छा, उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 जो है इस पर ना मैं स्टार मार्क करूँ, ये एग्जाम्पल बड़ा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इन द सेंस काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट तो सारी ही पर ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो जरा देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 7 है, CaO + H2O। तो आप ये देखिएगा कि जहाँ पर भी मेरे पास अभी तक जो मैं देख रहा था, अभी तक एक एफ ई था, एस था, मतलब एलिमेंट था, इधर भी एक एलिमेंट 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 ही एलिमेंट थे। अब क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन वो कंपाउंड कहलाता है। ऐसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन कंपाउंड कहलाता है। तो CaO + H2O, अब दो कंपाउंड्स जुड़ेंगे तो CaOH होल्ड ट्वाइस, तो ये बन जाएगा CaOH होल्ड ट्वाइस। अब ये बना कैसे वो देख लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कहाँ पाया जाता है कहाँ पाया जाता है मतलब डे टू डे लाइफ में? अरे ये जो वाइट वॉश हुई है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। इसका कोई भी अगर जैसे मान लीजिए अब डिस्टेंपर वगैरह है, कोई भी हम वाइट वॉश अगर करवाते हैं तो उसमें जो है एक मेजर जो इंग्रेडिएंट है वो यही होता है, खाने की जरूरत नहीं है, है ना। अच्छा, अब सुनिए, मैं बोल क्यों रहा हूँ खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग खाते भी हैं इसको। जो पान लगा हुआ है ना, पान, तो पान पर सुना चूना लगाते हैं, तो वो जो चूना है वो यही है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक्चुअली चूना ये है, कैल्शियम ऑक्साइड इज चूना, ये चूना है, लेकिन ड्राई चूना अगर आपने अपनी जीभ के ऊपर रख लिया ना, जीभ जल जाएगी, पागल हो जाओगे। अब आप उसको शांत करने के लिए क्या करोगे, आप उसको शांत करने के लिए पानी से उसको साफ करोगे और जल जाओगे। रीज़न क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड अगर ड्राई स्टेट में रहता है, अगर ड्राई स्टेट में रहता है उसको बोलते हैं क्विक लाइम। देखिए यहाँ पर क्विक लाइम, और बता देता हूँ कि आपने कहाँ देखा होगा क्विक लाइम जो है, क्विक लाइम जब स्कूल में स्पोर्ट्स डे इवेंट्स वगैरह होते हैं ना, तो उसमें पानी चाहिए, जब मैंने अभी रखना शुरू करा नॉर्मल तो रखना शुरू नहीं करा, और ये नहीं, ये नहीं, दूसरा नंबर अभी दो दो मिनट बाद। ये कैल्शियम क्विक लाइम हो गया। अब क्विक लाइम जो है ना, ये पाउडर्ड फॉर्म में होता है चूना, तो इसको ना जैसे स्पोर्ट्स डे इवेंट्स होते हैं तो उसमें वो पूरा एक वो लगाते हैं, लाइन खींचते हैं और उस पर वो वाइट पाउडर लगाते चले जाते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये पाउडर्ड फॉर्म में होने के बावजूद भी स्टेबलाइज हो जाता है, मतलब ये जमीन पर बैठ जाता है, शांति से चुपचाप बैठ जाता है, ये नहीं कि धूल की तरह यही उड़वाया हुआ है, है ना, कि पता चला एक एक लड़का कोई दौड़ता हुआ गया, पीछे से दूसरा लड़का दौड़ते हुआ आया, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है, धूल उड़ रही है ऊपर, वो नहीं होता, ठीक।
तो कैल्शियम ऑक्साइड तो ये हो गया। अब क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही चौक पर बताऊंगा अभी आपको, चौक पर चौक नहीं चौक, ठीक है। तो ये क्विक लाइन जो है, क्विक लाइन में अगर थोड़ा सा पानी मिला दिया जाए तो हमको ये लगता है कि किसी भी चीज़ में हम पानी मिलाते हैं तो वो चीज़ स्टेबलाइज हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है, शांत हो जाती है। लेकिन इसके साथ उल्टा है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे ही पानी में मिलाते हैं, पानी में ना धुआं उठने लगता है, बबल्स उठने लगते हैं, ठीक है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कभी भी आप नोटिस कर सकते हैं, 10 रुपये का 20 रुपये का चूना मिलेगा, ठीक है। एक घर में जो पानी पीने का जो स्टील का ग्लास होता है, कांच वाला नहीं, जो स्टील का ग्लास है, चूना मिलेगा जनरल मर्चेंट पर, जिसमें दाल वगैरह जिस पर मिलती है। तो वहाँ से आपने चूना ले लिया, ग्लास में डाल दिया, ग्लास में डालने के बाद पानी डालना, जैसे ही पानी डालोगे उसको बुलबुले उठने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और जो है धुआं उठता हुआ नजर आएगा, और फिर उसको ग्लास को छूना बाहर से तो ग्लास गर्म हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि रिएक्शंस जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हमको एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हीट लाइज विद इन कैल्शियम ऑक्साइड, इसके अंदर ही हीट होती है। अब देखिएगा, ये जो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो अब ये जो चूना हो गया, ये वो चूना है जिसको हम ईट कर सकते हैं, खा सकते हैं, और इसको खाना, दोबारा बोलो, इसको स्लेक लाइन कहते हैं, बिल्कुल सही। एंड दिस इज एक्चुअली गुड फॉर हेल्थ, ये जो स्लेट लाइन है, स्लेट लाइन इज गुड फॉर हेल्थ। कभी भी आप देखेंगे चूने के किसी भी पैकेट पर ये नहीं लिखा होगा कि चूने से कैंसर होता है। कभी भी आप बीटल लीव्स पर देखेंगे, जो पान का पत्ता होता है, वो भी जो है वो भी नुकसानदायक नहीं होता, नुकसानदायक सिर्फ तंबाकू होता है, जिसको लोग खाते हैं उस पर बड़ा बड़ा लिखा रहता है तंबाकू से कैंसर होता है, बड़ा बड़ा। तो ये जो स्लेट लाइन है, स्लेट लाइन एक्चुअली वेरी रिच सोर्स है, बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स है कैल्शियम का, जितना मिल्क में भी कैल्शियम नहीं होता उससे भी ज़्यादा कैल्शियम उसमें होता है, स्लेट लाइन में, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, लोग करते हैं इस काम को। और बताता हूँ, जब हड्डी टूटती है, एक्सपीरियंस होगा, तो तुम्हें डॉक्टर ने एक दवा दी होगी, डॉक्टर ने कैल्शियम की दवा दी होगी, कैल्शियम की वाइट गोली होती है, मेन इन्ग्रीडियंट यही मेन इन्ग्रीडियंट है, ठीक है ना। अब वो आप पानी के साथ आपने पी लिया, ठीक है, तो स्टमक में वैसे ही एसिड होते हैं, तो वो पता नहीं चलता, नहीं तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर मान लो कहीं पर भी किसी भी ऐसी जगह पर लाइफ में, हमेशा याद रखना कि कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है कि हम अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से कहीं से कहीं जा सकते हैं, देश विदेश में जा सकते हैं, कहीं पर दूध ना मिले, चूना मिल रहा है, तो आप ये समझ लेना कि आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं होने देगा चूना कभी भी, इतनी अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। चलिए जी, अब मैं आगे चलता हूँ कि इसको ये देखेंगे, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे दूध नहीं मिलता? होते होंगे कई देश ऐसे, होते होंगे। अगर मान लीजिए आप शिप पर हैं कहीं पर, तो शिप पर तो चीज़ कंटेन करी जाती है, और सारी की सारी चीज़ें वैसी होती हैं, वहाँ पर दिक्कत होती है। अब वहाँ पर शिप पर आप पहुँच गए, शिप पर आप कह रहे हैं मेरे कद्दू की सब्जी चाहिए, अभी कद्दू कहाँ से मिलेगा वहाँ पर, वहाँ सारा टिन फूड है, ठीक है। चलिए जी, कैल्शियम ऑक्साइड H2O, और ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप देखिएगा, ये CA है, इधर भी CA बैलेंस है, H2 है, H2 इधर भी, ये भी बैलेंस, ऑक्सीजन का एक इधर, एक इधर, और वन इधर, पूरा बैलेंस है, पूरा बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वाली जो रिएक्शन है, जैसे ये वाली रिएक्शन है, ये आप बता सकते हैं, आपको इनकी बैलेंसीज पता है, ये वाली और ये वाली रिएक्शन, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, ये सीधा याद करना, रट्टा लगाना है इसको। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का कॉम्बिनेशन करते हैं, CaOH होल्ड वाइज, वो होल्ड वाइज क्यों हुआ, क्योंकि कैल्शियम की वजह से ट्रिप्लस होती है, और जो हाइड्रोक्साइड आया है OH, इसकी वजह से नंबर तो वन इधर टू, तो CaOH होल्ड वाइज ऐसा होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसी रिएक्शन में, हमने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में हमने पाउडर्ड फॉर्म में चूना डाल दिया, अब उसमें हमने पानी मिला दिया, पानी मिलाकर हम उसको स्टिर कर रहे हैं, जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं ये सारे टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहे हैं, तो हमने टेस्ट ट्यूब को स्टिर करा, चूना तैयार, स्लेट ड्राइव तैयार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इसमें हम कुछ और रिएक्शन, कुछ और
एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, हमने क्या करा, क्या करा, क्या करा, बोलो बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड तो पढ़ लिया होगा ना, तो पहले पढ़ा होगा किसी क्लास में, नहीं पढ़ा कभी, अपने आप ही, इधर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराने के लिए क्या करोगे टेस्ट ट्यूब में, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आओगे कहीं से और उसके अंदर डालोगे, कुछ आसान तरीका भी हो सकता है उसका, कुछ आसान तरीका भी हो सकता है, अरे फूंक मार दो उसके अंदर, मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती बाहर, करके रहिए मत करा करो ऐसे अंदर, तो इसमें क्या है कि ये CO2, तो आपने क्या करा उसके अंदर फूंक मार दिया, फूंक मारने में भी ये रहता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स अंदर जा सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से रिएक्शन करने का जो है मेथड ये है, पिपेट होती है या फिर एक पिपेट स्ट्रॉ, हाँ जो ग्लास का जो स्ट्रॉ होता है उसको पिपेट बोल देते हैं, तो उसको स्ट्रॉ को लिया और हल्की सी आपने फूंक मारा, तो जब आप जरा सी इस पर फूंक मारेंगे तब क्या तैयार होगा, CaCO3, दिस इज चॉक, ये चॉक है, इसको लिखो चॉक और लाइमस्टोन, सर मतलब जो क्विक लाइम है तो वो स्लेक लाइम, क्विक लाइम ये पूरा प्रोसीजर है, क्विक लाइम में पानी मिलाया तो स्लेक लाइम बन गया, ठीक है, ईटेबल है, ईटेबल है, कोई दिक्कत नहीं, फिर उसके अंदर हमने फूंक मारी, अब उसके अंदर आपने फूंक मारी, बेसिकली क्या है कि कार्बन सर सच में चॉक बन जाएगा अगर हम सच में फूंक मारें, यस चॉक पाउडर बनेगा, चॉक पाउडर या चॉकलेट पेस्ट बन जाएगा, जिसको आप क्या कर सकते हो पूरी एक टेस्ट ट्यूब में भर के और फिर उसको सूखने के लिए रखकर छोड़ देंगे, अब जब सूखने के लिए रखकर छोड़ दिया फिर टेस्ट ट्यूब को ऊपर पलट कर ऐसे कर देंगे चॉक तैयार, प्रोसीजर यही है, ठीक है, अगेन कुछ बच्चों को आपने देखा होगा चॉक भी खा जाते थे, है ना, तो नुकसानदायक नहीं है ये, नुकसानदायक नहीं, ठीक है ना, कुछ बच्चे बचपन में मिट्टी खाते हैं तो वो हार्मफुल है, लेकिन चॉक खाना कभी भी कहीं तक हार्मफुल नहीं है। मैंने कभी नहीं खाई चॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चॉक और लाइमस्टोन। सर इरेजर भी होती है हार्मफुल? नहीं, अच्छा इरेजर का मुझे मालूम नहीं। इरेजर जो है ना एक्चुअली लेटेक्स ट्री होता है। लेटेक्स सुना होगा? लेटेक्स ट्री। तो लेटेक्स ट्री से लेटेक्स को रबर बेसिकली। अरे लेटेक्स ट्री में से जो निकलता है उसी को रबर बोलते हैं। तो उससे बनती है वो हार्मफुल है नहीं मुझे मालूम नहीं। चॉक और लाइमस्टोन और लिखिएगा मार्बल में भी मिलता है ये कैल्शियम कार्बोनेट और एग शेल समझ गए ना, वो जो एग का बिल्कुल हार्ड वाला पोर्शन होता है अंडे के छिलके बाहर वाले, है ना, बिल्कुल बाहर वाले, सर मम्मी बोलती है पथरी हो जाती है अगर उसे। अच्छा चॉक लाइमस्टोन मार्बल और एग शेल, ठीक है, इसका मतलब तुमने खाया होगा और तुम्हें रोका गया होगा कि बेटा मत खा। चलिए ठीक है, अब जरा देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा वाटर भी मिल जाता है, थोड़ा सा वाटर बन जाता है। वो पता कैसे चलता है कि वाटर बना? ये कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड है और ये सॉलिड जो है ये टेस्ट ट्यूब में ना नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है, नीचे मतलब बैठ जाता है नीचे और ऊपर पानी आ जाता है। जैसे आपने पानी का गिलास लिया उसमें रेत सैंड डाल दिया और उसको घुमा दिया, खूब अच्छे से स्टिर कर दिया, सैंड नीचे बैठ जाएगा, एक्चुअली हैवी होता है वो नीचे बैठ जाएगा पानी ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट भी हैवी सॉल्ट होता है, नीचे बैठ जाएगा वाटर ऊपर आ जाएगा, ठीक है भाई। ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताएं यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है आगे, आगे देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 8। जैसे ये 7th है ये भी लर्न करना है, एग्जांपल 8 जो बता रहा हूं वो भी लर्न करने वाला है। सर फिर तो चॉक में भी कैल्शियम होगा। हां होता है ना, मैं कह तो रहा हूं हार्मफुल नहीं है। एग्जांपल नंबर 8 में है NH3+HCl। इसको भी आपको याद करना है, ये NH4Cl हो गया, NH3+HCl ये हो गया NH4Cl। अब NH4Cl कैसे हुआ ये ध्यान रखिएगा, NH4 होता है एल्युमिनियम और NH4 की वैलेंसी होती है 1+ और क्लोरीन इसकी वैलेंसी होती है 1-। बताओ सर, मैं बता रही थी मैंने मैथ्स कॉम्बो खुद कर दिया। एग्जांपल नंबर 9 देखिएगा,
एग्जांपल नंबर 9 है CO प्लस O2. CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 गिव्स CO. ठीक है, बैलेंस करके देख लीजिए. इधर ऑक्सीजन का एक है, इधर ऑक्सीजन के दो. ये भी रन करना है. 7th, 8th और 9th ये तीनों रिएक्शन जो है ये रन करना है. तो इसमें ऑक्सीजन का एक है, इसमें ऑक्सीजन के दो है, तो ऑक्सीजन के टोटल तीन हो गए. इधर ऑक्सीजन के दो हैं तो क्या करूँ, इधर टू और लगा दो. ऑक्सीजन के 1, 2, 4 अब पूरी तरह से बैलेंस हो गया. कार्बन के भी दो कार्बन हो गया बैलेंस. ठीक है, एग्जाम्पल 10 देखिएगा. एग्जाम्पल 10 में है SO2. SO2 plus O2 gives SO3. सल्फर ट्राई ऑक्साइड बन गया. अब आप ये देखिएगा, ये ऑक्सीजन के इधर दो हैं, इधर दो हैं, तो ऑक्सीजन के टोटल चार, लेकिन इधर तीन हैं. अब क्या करें? O2 plus 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 O2 pl
हो गया मैथ्स वाले में करवा दूँगी कल, है ना? ठीक है, एक मिनट वेट करिए बस, अभी आप शांत नहीं बैठ सकते, मैं देख रहा हूँ आज कमेंट्री लगातार चलती रहती है। Thank you.
year. अगला नोट करिए फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Reactions in which a compound splits up into two or more simpler substances. एक्सचेंज वाला कुछ करके देखूं ऐसे तो इस तरीके से ऐसा इसमें कुछ नहीं होता, तो इसका कोई रूल नहीं है। इसके जो भी मैं आपको 8 या 9 एग्जांपल्स बताऊंगा वो सारे आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन जाता है, CaO प्लस CO2 बन जाता है। ये करना होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। अच्छा देखना बैलेंस है क्या, बैलेंस है ठीक है। अगला देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। KCl plus O2, potassium chloride plus O2,
ये हो जाएगा सारे के सारे। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि के सी एटम ट्री है, इधर भी के का सिग्नल है, इधर भी ए की एटम है, इधर भी सी एल का एंड है, इधर भी सी एल का। ऑक्सीजन के तीन है, इधर ऑक्सीजन के दो है, एकदम ट्री लगा दीजिए, इधर भी टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से बन चुके हैं। ओके सर, ठीक है, अगला देखते हैं। तो ये भी लेक्चर करने वाला है, एग्जाम्पल ओपन ट्री देखिएगा। एग्जाम्पल थ्री में है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हीट करेंगे तो क्या होगा? ये आपकी चाबी लगी हीट होगी। ठीक, अभी आप सल्फर एक और एक दो और वन टू जा टू सल्फर बैलेंस ऑक्सीजन पैरस कर दो। क्लियर है? ठीक है, चलिए जी ये तीन एग्जांपल इसके हुए डिकम्पोजिशन के। चौथा और देखिएगा, अच्छा इधर अगर टू लगा दूं
What did you learn? 3 to 6 or 2, 6 to 7. तो लेट तो बैलेंस हो गया फिर उधर 4 लगा देंगे तो वहाँ 12 आ जाएगा 2 टू ज़ 4 4 प्लस 2 6 6 6 में इधर 3 कर अब हो गया बताइए जी क्लियर है यस सर ठीक है ठीक है अरे नहीं गड़बड़ हो गया भाई नाइट्रोजन तो बैलेंस हुआ ही नहीं नाइट्रोजन का 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4 तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहां 4 लगाएंगे इधर तो 3 हटाओ 1 2 जा 2 2 4 जा 8 8 और 2 10 और 2 12 हो गया नाइट्रोजन भी बैलेंस ऑक्सीजन भी बैलेंस लेड भी बैलेंस सब कुछ बैलेंस बहुत जोर से यस सर बोले थे बताओ समझ में आ गया अभी अतर गलत समझ में आ गया हाँ चलिए जी अगला देखिए एग्जांपल 5 एग्जांपल 5 में अब हम करेंगे H2O यहाँ पर लिखिएगा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी तो जब हाइड्रोजन जब ये हाँ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया कि हम इसका ना इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये हो गया कि वाटर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा क्या क्या दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा एच और ओ में ठीक है ना एच और ओ यहाँ पर लिखिएगा एच टू और ओ टू एच टू और ओ टू हाइड्रोजन का तो बैलेंस है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर टू लगाएंगे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया हाइड्रोजन का बैलेंस पकड़ के इधर टू लगाएंगे हाइड्रोजन फोर ऑक्सीजन अब हो गया बैलेंस एग्जांपल 5 एग्जांपल 5 के बाद में देखेंगे एग्जांपल नंबर 6 NaCl यहाँ लिख दीजिएगा मॉल्टन 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 M O L T E N मॉल्टन का मतलब होता है पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड ये नमक नमक जो है अपनी पिघली हुई स्टेट में बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है तब उसी स्टेट में पहुँचता है ठीक है अच्छा अब इसका भी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे इसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल नहीं तो एन ए अलग हो गया और सी एल टू अलग हो गया क्लोरीन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता डाइएटमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है ऑक्सीजन की तरह अच्छा अब क्लोरीन का टू है इधर इधर क्लोरीन का वन है उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ टू लगा दिया अगला देख लेगा एग्जाम्पल चाहते हैं एयर टू और थ्री एल्यूमिनियम ऑक्साइड इलेक्ट्रिसिटी एन प्लस ओ टू बैलेंस करेंगे इधर टू लगाएंगे नहीं इसके आगे थ्री टू टू थ्री जा सिक्स इसके आगे टू टू थ्री टू जा सिक्स बैलेंस इसके आगे टू लगा फोर ईयर ठीक है पूरा फिर बता मतलब देखिएगा एग्जांपल नंबर 8 एग्जांपल नंबर 8 में AgCl AgCl सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर लिख देना लाइट रोशनी में रख देते हैं तो ही जो है ये डिकम्पोज हो जाता है यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन और एजी प्लस सी एल टू बैलेंस करने के लिए इधर टू लगा दो इधर टू लगा दो एग्जाम्पल 9 बिल्कुल इसी का जैसा है एजी बी आर होता है ब्रोमीन सिल्वर ब्रोमाइड राइट इधर एजी
बिकॉज़ वी हैव BR2 BR2 BR होता है ब्रिंगिंग है ना, और इसको बैलेंस करने के लिए ठीक है। तो ये जो ये वाले होते हैं जिस पर मैंने ट्रायंगल लगाया है, ये चार रिएक्शन हमने करे हैं, इनको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट करने से ही जो टूट जाए थर्मल डिकम्पोजिशन, और जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं इनको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं, और जिसमें लाइट से ही हो रहा है उसको फोटोलिटिक फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन थर्मल ठीक है। बस इतना कर दीजिए, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट अगली क्लास में करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर, ठीक है सर। उसके बाद कितना बचा है? ये आपका दो क्लासेस का बच रहा है, एक क्लास में होगा।